क्लास 10 हिंदी CBSE का ये आंसर की है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे उन क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, स्टार्टिंग में गद्यांश दिया गया है। इसे 19वीं शताब्दी में एक पर्सन फ्रांसीसी मनोचिकित्सक हुए, ठीक है। यहाँ पर जो एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है, इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है। पहला प्रश्न, हम स्वास्थ्य विचारों की खेती करके ये तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, पंक्ति का आशय है। इसका सही आंसर है स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है, इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं, सही आंसर है बीमारी। नेक्स्ट है, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है अचेतन मन द्वारा। लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं, इसे क्या अभिप्राय है। लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। कथन है, हमारा वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। जो कथन है वो हमारा सही है। कारण, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। इसका जो कारण है वो भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो प्रश्न नंबर 2 है, ये हमारा पद्यांश दिया गया है, एक पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है। सही आंसर है, शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है। शांत शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति का क्या प्रभाव डालता है। सही आंसर है, वह उसकी श्रम करने की क्षमता हर लेता है। नेक्स्ट है, धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है। कोमल मखमली कपड़े से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, धरती को जननी कहा गया है। कारण है, धरती से प्राप्त जल अमृत समान होता है। कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिन में तारीन करता तम का नाश है, इस पंक्ति का आशय है। सही आंसर है, मातृभूमि अपने तम का स्वयं ही नाश करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर निर्देशन रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, इसमें जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस वाक्य की रचना की दृष्टि से वाक्य भेद यह है, एक हमारा मिश्र वाक्य है। आग का आविष्कार जिस आदमी ने क्या होगा, वह महान आविष्कर्ता होगा। इस वाक्य का सरल वाक्य है, जिसने आग का आविष्कार किया वह महान आविष्कर्ता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनकर लिखे। इसमें जो 3 और 4 है, मोती कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती से दिखाकर बोला, दोनों ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है, शिव पूजन सहाय का जन्म जिस गांव में हुआ था वह बिहार में है। स्तंभ 1 और 2 को मिलाना है, इसमें अगर मिलाएंगे तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, निर्देश अनुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। सही आंसर, इसमें वाक्य में वाच्य पूछा गया, सही आंसर कृतवाच्य। नेक्स्ट, माँ द्वारा बेटी की को परंपरा से हटकर सीख दी गई है। उदाहरण है, कर्मवाच्य का पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, उसका कर्मवाच्य होगा। सही आंसर, पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी जा रही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। जो 2 सेकेंड ऑप्शन है, वह फुटबॉल नहीं खेलता और 4 ऑप्शन वह रोज पढ़ने जाती, दोनों भाववाच्य को उदाहरण नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। स्तंभ 1 और 2 को मिलाना है, यहाँ पर तो अगर मिलाएंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही आएगा। अब उसने उनसे टहला नहीं जाता, यह हमारा सेकेंड भाववाच्य है। उसने गीत नहीं गाया, यह हमारा कर्मवाच्य। मैंने एक लंबी कविता लिखी, ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट है, शर्मा जी उसकी बातें सुनकर ठाके मारकर हंसने लगे। सही आंसर है,
रीतिवाचक क्रियावाचक हंसने लगे क्रिया की विशेषता। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत बड़ा महत्व होता है। रेखा के पद का परिचय से अंक से जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग है संबंध कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। सही अंक से यह गलत परंपरा तत्काल खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है भानपुरा में से मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है। रेखा के पद का परिचय है पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। सही आंसर है ए ऑप्शन। मैं भी वहाँ रुककर उन्हें सुनना चाहती थी। रेखा के पद का परिचय है सी ऑप्शन उत्तम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अलंकार पर आधारित क्वेश्चन से ये पहला है हनुमान की पूंछ में ए लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में एक अलंकार है अतिशयोक्ति। जो नत हुआ वह मृत हुआ ज्यो मृत से झर कर कुसुम। इस पंक्ति में प्रमुख अलंकार है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि ज्यो शब्द का प्रयोग किया गया है। लेटी में शांत कलांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल। इसमें जो अलंकार है मानवीकरण अलंकार है। मेरी भाव बाधा हरो बाधा नागरी सोई जो तन की जाई परे श्याम हरे तुति हुई। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है। सूरदास अबलाहम भोरी गुरु जाटी ज्यो पागी। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है क्योंकि ज्यो शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ एक दिया गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रभादिया किस समय गाया जाने वाला गीत है। सही आंसर है भोर। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। इसका आशय है वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। गद्याश में किस ऋतु का उल्लेख है। सही आंसर है बसंत ऋतु। बाल गोविंद की प्रभातिया कब तक चला करती थी। सही आंसर है कार्तिक से फागुन तक। भगत गांव के भाग पोखरे के ऊंचे भिंडे पर क्यों गाया करते थे। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट सही आंसर है इसका उन्हें उस स्थान पर रोज गाने की आदत थी। नेक्स्ट यहाँ पर गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो भविकल्प प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है बिस्मिल्लाह खां अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे। सही आंसर अपने शुरू की सलामती। नेक्स्ट नेताजी की मोती पर लगे सरकंडे के चश्मे को देख कर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई। सही आंसर है बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति देख कर वे भावुक हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया। सही आंसर है परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध का क्या कारण था। सही आंसर था उनके गुरु शिव का धनुष टूटना। नेक्स्ट है लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों से क्यों की। शिव धनुष का धन अन्य धनुषों के जैसा होने के कारण परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्काने क्यों लगे। परशुराम के अतपशांतमक वचनों को सुनकर परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया तत्सत भाव से। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड दो प्रश्न है। यहाँ पर सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है। सही आंसर हारी पक्षी की लकड़ी। नेक्स्ट है यहाँ पर यह तत्व मुस्कान में बच्चे के धूल दूसरी शरीर को देख कर पिता को कैसे लगता है। सही आंसर है जैसे चारों तरफ कीचड़ ओ झोपड़ी कमल का फूल हो। ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास टेंथ हिंदी कोड ए का ये पेपर था हिंदी ए। ठीक है 2024 का इसके हमने मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए। साइंस की जो है सही मल्टीपल चॉइस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।